है, दोनों खेल रहे हैं बच्चे के साथ, अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई लाइन। एक बात कहना चाहते हैं विद्या, अगर तुम उस दिन हॉस्पिटल में निधि को नहीं समझाई होती ना, तो निधि ने अपना अबॉर्शन करा लिया होता, और आज आज सिर्फ तुम्हारे वजह से हमें हमारा बच्चा मिल पाया है ना। अम्मा ने कहा कि तू सच में देवी ही बोलिए देवी। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अरे ये सब छोड़ो, पहले शहर चटाई की रसम तो करनी होती। अरे कोई जाके शहर लेकर आओ, फिर इस जाने लगा। हाँ नहीं, हम लेके आते हैं। हाँ आ गया ऊपर शहर लेके आया। उन्होंने बोला कि उन्होंने बंदे को चटाएंगे शहर, तुम्हारे यहाँ के तुमने बच्चे को पता कराने में हेल्प की है ना निधि। उन्होंने ऐसा किया, फिर वो आ गए, शहर लगा दिया, शहर चढ़ाना हो गया, वापस आ गए। तो शहर हस्बैंड वाइफ का तो समझाने में चालू की है। बेटा देख, ये सब कुछ किया है तेरे बहन के लिए, तो बिंदे की खुशी कैसे छीन सकता है। अब तो तेरा फैसला बदल जाएगा ना। फिर सुनता नहीं, मेरा फैसला वही रहेगा। नहीं मान रहा है, वो बहस कर रहा है, लोग कन्विंस कर रहे हैं उसको। मेरे भैया से नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। चाहे भी पूजा जानकर रिस्क नहीं लूंगा। बिंदी बोलते कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए। निधि के बच्चे के किलकारियों के साथ घर में लौटी खुशियां। निधि ने बिंदिया को माना देवी, बिंदिया को दिया अपने बच्चे से जुड़ा बड़ा अधिकार। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो सुहागन की, जिसके ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट। शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से निधि एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, जिसकी किलकारियां घर में गूंजते हुए नजर आती है और सभी घर वालों का दिल जीत लेती है। एक बार फिर से परिवार में खुशियों की लहर छा जाती है। हर कोई बेहद खुश है और हर कोई कहीं न कहीं बिंदिया को सराहते हुए नजर आ रहा है। निधि का भी यही मानना है कि इस बच्चे का जन्म सिर्फ और सिर्फ बिंदिया की वजह से हुआ है। अगर बिंदिया ना होती तो निधि अपने गलत इरादों में कामयाब होती और कब का इस बच्चे का अबॉर्शन करवा देती। लेकिन बिंदिया ने निधि को इतना बड़ा पाप करने से रोका और कहीं ना कहीं निधि को सही रास्ता दिखाया है। इस वजह से ही निधि आज पहली बार अपने बच्चे का शक्ल देख पा रही है और इस वजह से निधि बिंदिया को ही अपने इस बच्चे के सहचटाई के रश्म की विधि करने का अधिकार देती है। जहां पर बिंदिया बेहद खुशी खुशी निधि के बच्चे को पहली बार सहचटाती है और इस रस्म को पूरी करती है और सभी घर वाले हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। वेल तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट के जरिए बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़े ऐसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।